नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जल हिट टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की चारथावल सीट में और ठीक उसी गांव में जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, क्योंकि इन दिनों किसानों को जो आंदोलन चला था उसके चलते वो भी चर्चा में रहे थे। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, परसों वोटिंग होनी है, तो इन्हीं मुद्दों पर हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। क्या हाल चाल है आज गांव में आजकल? हाल तो मिक्सअप है जी, मिक्स चल रहा है। अच्छा, पिछली बार की तरह आंधी नहीं है? ना, आंधी नहीं। अच्छा, संजीव बालियान का गांव है ये, उसके बाद भी इस तरह का हालात नहीं है बीजेपी को लेकर? हाँ जी, काम नहीं कर रहा इसलिए ये हालात है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो भाई गलत है, किसानों का हमें 12-13-14 महीने रहे वहाँ, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने शर्तें रखी थी, कहा था कि हम कर देंगे, थे कोई शर्त नहीं भाई? खुश नहीं है सरकार से? सरकार तो किसान का खुश है जी, कुछ दिया ही नहीं। क्या उम्मीद थी मिलने की? यही थी कुछ ना कुछ मिलेगा, वो नहीं चले आए, फिर उन तक पीठ छिप गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी और कहा कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद आंदोलन ख़त्म भी हुआ। क्या मानते हैं कि आंदोलन सक्सेसफुल रहा? नहीं, गलत रहा है तो मतलब जी बुनिया हट लेना, कुछ बात ही नहीं करी, मर गया तो फिर हम क्या करते हो? आपकी सरकार से कैसे लग रही है बीजेपी की सरकार जो राज्य में है? बेकार है। क्या बेकार है? बेकार जो है तो बता, किसका क्या पता करेंगे? आप बताइए, हम तो आप लोगों से पूछना है कि आपके इलाके में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ ही विकास हुआ। अरे किसानों के आए अचूनी के आधार बिगड़ती, आप बिगड़ती और महंगाई कर दी, और तेल भी 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर रहते हैं। अरे बता कौन सी महंगाई? यहाँ के खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, उसके बाद भी गाँव को कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। लगभग किसान नाराज है यहाँ पर। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? आपके हिसाब से तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार इस बार होनी चाहिए? भाई सरकार होनी चाहिए गठबंधन की, इसकी सरकार हट जानी चाहिए। होगी। अच्छा, क्यों हट जानी चाहिए? कुछ अभी कोई फायदा ही नहीं यार कुछ भी। खेतों के हालात कैसे हैं अभी? अच्छा, बीजेपी सरकार तो कहते हैं किसान अब जो है आराम से अपने घर पर रात को सोता है, लेकिन सपा सरकार में रात को खेतों में पानी देने जाता था, ऐसे हालात है क्या? नहीं, वो तो है जी, वो तो जो है वो तो ठीक है, और रास्ता तो है, रात तो नींद नहीं आती, दिन में भी नहीं आती जल्दी, रात दिन जंगल में रहे, सब खा दिया गया हूँ। किसने? डंगरों ने खा दिया जी, इन्होंने गाँ बिजार ये सब ने खा दिया, रात तो रहे मेरे क्या सो है यार। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सन्नी। अच्छा, आप युवा हैं, क्या करते हैं? मेरा स्टोर है मेडिकल। अच्छा, अगर बात करें गांव में युवाओं के रोजगार को लेकर, कैसा रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब नहीं फिर रहे, कोई 5,000 की जॉब कर रहा है वहाँ से, कोई कपड़े की फैक्ट्री में जा रहा, कोई कहीं कोई कहीं 5-6-7-8 हज़ार रुपये अपना भी कर रहे, लेने लगे कहीं बाहर जाके, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ सरकार ने गठबंधन होगा पक्का। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? हाँ, मुद्दा है, क्यों नहीं? जट्टों की यार इब जब कर रहा अमित शाह, जट्टों का वो आ रहा था, इब क्यों नहीं करते वो वारदा? यहाँ तो सारे जाट टोटली गठबंधन पे है, टोटली जाट ने सारी कौन जी तो ये गुंडे बताओ है। आप बताइए। तो उग्रवादी बतावे जट्टू को, तो हाँ उग्रवादी आतंकवादी खालिस्तानी सरकार, भाजपा सरकार बनाई थी, कुछ उम्मीद पर बनाई थी, भाई मारा भी कुछ सुधार हो, पर सुधार क्या, वो हम तो कैसे भी नहीं रहे। अच्छा, सुधार नहीं हुआ जो उम्मीद थी। आप बताइए, अगर बात करें महंगाई को लेकर, तो गांव में क्या महंगाई है? गांव में सारी चीजें महंगाई है, कोई मंदी तो है ही नहीं, कौन सी चीज मंदी है, सब महंगाई है। अच्छा, सिलेंडर को लेकर अगर बात करें, 3-4 रुपए का सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो है भैया कितना महंगा हो गया, पहले कितना था, गुणा दुनिया तो 32 बढ़ गया। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है भाई। अच्छा, क्या करते हैं? वो किसान ही है भाई।
तो किसान के लिए आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है अभी तक नहीं मिल रही? सम्मान निधि में क्या हो रहा है, 2000 रुपये इतनी महंगाई तो नहीं होगी। अच्छा वैसे मिल रही है? नहीं आप पीछे तो है, कुछ लोगों को मिल रहे, कुछ को नहीं भी मिले, बहुत से आदमी है जिन्हें नहीं मिले। अगर MSP को लेकर बात करें, बजट में MSP को लेकर भी जोर दिया गया, हालांकि पिछले साल के मुकाबले घटा दिया गया, तो क्या MSP तो भाई सारी चीज महंगी हो रही, ये तो ढेर ठंडा बोझ गिर दिया किसानों पर, बहुत खराब सरकार है, इनने तो हर किसान हर मजदूर सब मार गए। चलिए और भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं जी। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है गांव में? गांव में माहौल ठीक ही चल रहा है जी। एक तो कई समस्या है, एक तो योगी जी ने कह दिया ये गिरिदासन बच गया, क्या हिंदुस्तान भूखा मर रहा था? इसकी जो है विदेशों में भी जो है मतलब गलत खबर जा रही है कि वह हिंदुस्तान में जो है सरकार भूखा मर रहा है, हिंदुस्तान सरकार जो है अपने खजाने से जो है फ्री राशन बांट रही है। और फिर उसके लिए कह दिया इन्होंने, जिसके पास मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है या और कोई साधन है, गाड़ी है, जिन जो उनसे जो है रिकवरी की जाएगी इसकी बाद में, अब तो फ्री दे रहे, हमने तो मांगे नहीं था, जनता ने मांगा हो तो बताओ ये फिर रिकवरी किस बात की? अच्छा जनता को चाहिए क्या ये बताइए? जनता को तो इंसाफ चाहा, इंसाफ से काम करे, न्याय से काम करे। इंसाफ है नहीं, इंसाफ है नहीं यहाँ। अब नाम न लूँ मैं, ऐसे ऐसे मंत्री हैं, एक पौवे पर 1 रुपया ले रहे, बोतल पर 2 रुपये ले रहे, गन्ने पर 1 रुपये, क्विंटल पर 1 रुपया ले रहे, इनके पेट भर रहे जन। उसको जो है गंगा सफाई में इतना पैसा आ रहा है, सब मंत्री पंत्री संतरी ये खा रहे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही गंगा की। अच्छा यमुना भी यहाँ से पास है, गंगा भी यहाँ से पास है, लेकिन सफाई नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, किसान को यहाँ अगर बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री का ये गांव है, यूरिया और खाद किस तरह से? यूरिया और खाद तो मतलब वही ले जा, तो नो धड़ी का फिर क्या पैसे हो गए वही बल्कि और ज़्यादा है, और खाद मतलब बहुत किल्लत से मिल रहा है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मिजाज क्या है। आप बताइए क्या कह रहे हैं, एक सेकंड आप बताइए क्या कह रहे हैं। मतलब फरद के नीचे जो बोलते हैं जाओ तो धड़ी खाद फरद आधार कारण वो खाद भी पटे सटा कट्टे में मतलब पटे सटे कट्टे वहीं पट जा चुगलो ना वो भी लेकर जा वो चुगलो तो खाद भी लेकर जा के खाद के मामले में घोटाले हो रहे हैं। घोटाले हो रहे खाद में। और भी लोग हैं, जट्टों का नेता एक ही रहा सिर्फ चौधरी चरण सिंह पर आज तक इन्होंने कभी भी भाजपा ने कभी भी फूल नहीं चढ़ाए। पहले हमारी कोठी घोषित थी दिल्ली, वो निना खोसी थी, इनका बदल ले होंगे, इन तक चुन चुन कर ले होंगे, इन बेचारों का भी ढंग बैठेगा, ये नहीं बैठावा हम बैठाऊंगे फिर। अच्छा ये बताइए, अगर किसान को लेकर बात करें, खाद की समस्या बता रहे हैं, यूरिया की समस्या बता रहे हैं, बिजली को लेकर क्या माहौल है? क्या माहौल इब्जा 2000 का 2400 का जो है आप इब्जा बिल तू अल्लाह का बढ़ा दिया, कहाँ थे कहाँ थी या सरकार, जो 6000 का था वो दुगना हो गया। अब जा ठीक है, अरे वो यूरिया का कट्टा जहाँ 10 धड़ी का था वो 9 धड़ी का कर दिया, कहाँ कर दिया, 25 रुपये बढ़ा के ये 25 रुपये इस पर बढ़ाए करने पर 25 रुपये इन्होंने अगले दिन गैस पर बढ़ा दिया, बराबर हो गया, बराबर हो गया क्या ईशा? तो यह जिंदगी भर कभी नहीं आने वाली, ये तो हमारे साथ धोखा खा गया वो अखिलेश, अरे ईशा तो कभी सपना में भी देखने का भारत कहाँ है। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव डालने चुनाव करेंगे, क्योंकि परसों वोटिंग है? परसों वोटिंग है, हम गठबंधन को तन मन धन तक चौधरी चरण सिंह के सपूत हैं, उन्हें वोट करेंगे और विजय बनाकर। अच्छा मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा अगर जीत जाते तो क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी करा होगा, मेरा कहने का मतलब है अगर अखिलेश यादव जी ड्रॉप करेंगे तो क्या काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे, इनका बढ़िया काम करेंगे, पहले जैसा काम नहीं करेगा, इनका बढ़िया
तरीके से। आप बताइए आपका क्या? सरविंदर जी, अगर यहाँ बात करें, केंद्रीय मंत्री तो आ ही रहे होंगे वोट के लिए, उनके जो विधायक प्रत्याशी उनके लिए, अच्छा क्या क्या कहते हैं उनके लिए फिर? तो क्या कहा गया बस, हाँ यहाँ से क्या तो गठबंधन के लिए। अच्छा वोट तो फिर भी बीजेपी वाले मांग ही रहे होंगे। हम मांग रहे, मांगो जाओ, यहाँ से क्या अपने मुद्दे पे चला रहे किसान। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? तो महंगाई का, बिजली का, बिजली महंगी हो रही, दो ढेरी पड़ गई, और ये जो है बिचार सांड छोड़ रखे, इन्होंने खेत खा लिए सारे, और जो जब तक है जब तक नहीं कहीं रोजगार मन करे, रोजगार रोजगार सारा खत्म। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ अगर देखा जाए, ये संजीव बालियान का गांव था जिसका नाम कुटबा है, और ये मुजफ्फरनगर की चारथावल विधानसभा सीट में आता है, और यहाँ जो लोग हैं वो नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। मुजफ्फरनगर के चारथावल विधानसभा सीट से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।